खबर है रीवा से, जहां रीवा जिला मुख्यालय के एक गांव की बस्ती और घरों में 6 सालों से छाया अंधेरा अब दीपावली से पहले ही रोशन हो गया है। रीवा जिला कलेक्टर की पहल पर बस्ती में विद्युत सप्लाई पहुंचने के बाद अब गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ फरियादी आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां कलेक्टर को बच्चों ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। बता दें कि जिस गांव के बच्चे और फरियादी आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, वहां 6 सालों से विद्युत सप्लाई बाधित थी। बस्ती में रहने वाले फरियादी ने इन 6 सालों के बीच विद्युत विभाग सहित संभागायुक्त सहित विभिन्न अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाकर कुल 30 शिकायतें की, जिसके बाद रीवा कलेक्टर से की गई शिकायत के बाद कलेक्टर ने न सिर्फ फरियाद सुनी बल्कि 15 दिनों के भीतर विद्युत सप्लाई को बहाल करा बस्ती को रोशन कर दिया है। दरअसल मामला गोविंदगढ़ के तमरा गांव का है। तमरा गांव स्थित आदिवासी बस्ती में रहने वाले रामराज कोल ने बताया कि बस्ती सहित उसके घर की 6 सालों से विद्युत सप्लाई बाधित होने की वजह से अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे की वजह से यहाँ ना तो बच्चे पढ़ाई कर पा रहे थे और ना ही बिना अन्य कोई काम कर पा रहे थे। ऐसे में उसने रीवा से लेकर जबलपुर तक दौड़ लगाई और 2 दर्जन से अधिक शिकायतें भी की, लेकिन इस बीच रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने न सिर्फ उसकी फरियाद सुनी बल्कि शिकायत को गंभीरता से लेकर विद्युत सप्लाई बहाल कराकर पूरी बस्ती को रोशन कर दिया। आज इसी खुशी में आज बस्ती के लोग बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर प्रतिभा पाल को मिठाई खिलाकर उनका आभार जताया है। राज कोल, ग्राम तमरा, पोस्ट तमरा वासी, तहसील हुजूर, जिला गोविंदगढ़, मध्य प्रदेश। आज आप किस लिए आए, मिठाई और ये गुलदस्ता लेकर? सर, मैं 1 अक्टूबर 2024 को शिकायत करने आए थे। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में भ्रष्टाचार हमारे गाँव में चढ़ गया तो केबिल नहीं लग रही थी, तो दीदी जी द्वारा हमारे यहाँ केबिल 15-10 को केबिल लग गई है, तो हम लोग खुशी में दीदी जी से मिलने आए हैं। दीदी कलेक्टर साहब? जी जी दीदी जी जी जी। कितने सालों से वहाँ पे लाइट नहीं? साल मैं 6 साल से आ रहा था और हमारी केबिल नहीं लग रही थी, लेकिन अगर इस तरह जैसे हमारे रीवा में कलेक्टर हैं तो अगर मध्य प्रदेश में 54 जिले में अगर इस तरह के कलेक्टर हो जाएं तो हमारा मध्य प्रदेश 1 नंबर में बन सकता है, गरीब से गरीब की जो सुनवाई होती है। लेकिन हमारे रीवा में मीडिया, पेपर मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा अच्छा स्टाफ प्रसारण करे, इसी का नतीजा हमारा निकल गया है। नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर केबिल लग गई है। इससे पहले कहाँ कहाँ शिकायत? मैं इससे पहले सर कम से कम 25-30 बार तो यहीं कलेक्ट्रेट में करा हूँ, बाकी कमिश्नर महोदय के यहाँ करा हूँ, अधीक्षक महोदय करा हूँ, जबलपुर करा हूँ, कोरियर द्वारा भेज के जहाँ जहाँ ऑफिस थी बिजली विभाग की सारे जगह करा हूँ सर, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता था। तो आज मैडम के पास आए हैं, क्या क्या लेके आए? सर लड्डू ले आए हैं, गुलदस्ता ले आए हैं, जो हम गरीब आदमी के पास है, खुशी में हम दीदी जी से मिलने आए हैं, जो इतना बढ़िया हमारे बच्चों का नजारा रहता था पढ़ने के लिए, सब लड़के बच्चे सब खुशी मिलने आए हैं कि दीदी जी से मिलेंगे कि दीदी जी आप हमारी अच्छी लाइट लगवा दिए हैं।